एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में एक गरीब अनाथ बरखा नाम की लड़की एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, वह पढ़ना चाहती थी, इसलिए वह अपना पढ़ाई का यह सपना पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। उसे खाने के लिए भी कमाना पड़ता था और स्कूल की फीस जमा करने के लिए तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती थी। वह स्कूल से आ जाने के बाद एक होटल में बर्तन साफ करने का काम किया करती थी और वह काम करने के बाद बगीचे से फूल तोड़कर लेकर आती थी और उन्हें बेचती थी। यह सब काम करने से उसे इतने पैसे मिल जाया करते थे कि वह स्कूल की फीस जमा कर देती थी और दो समय का खाना खा लिया करती थी। यार बरखा, मुझसे ना यह सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज मुझे यह सवाल समझा दे। तेरी मैथ तो बहुत अच्छी है और हमारी मैथ के टीचर को तो तू जानती है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यार समझा दे ना। नेहा, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगी, परेशान मत हो। बता कौन सा सवाल तुझे समझ में नहीं आ रहा। बरखा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, साथ में उसका दिल भी बहुत अच्छा था। वह स्वभाव की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसे अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह क्लास में सभी स्टूडेंट की मदद किया करती थी, जिस वजह से सभी स्टूडेंट बरखा को अपना दोस्त समझते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद स्कूल की कुछ टीचर्स का ट्रांसफर हो जाता है और स्कूल में सात नई टीचर आती हैं, जो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। पुरानी टीचर के जाने के बाद सभी बच्चे बहुत उदास होते हैं। अरे यार, आप सभी स्टूडेंट इतने ज्यादा उदास क्यों हो? अगर हमारे पुराने टीचर्स चली गई हैं तो क्या हुआ? हम नए टीचर्स को प्यार से वेलकम करते हैं और उनके साथ पहले टीचर्स की तरह प्यार से रहेंगे और कुछ दिन बाद नए टीचर्स के साथ भी हमारा पुरानी टीचर जैसा ही रिलेशन हो जाएगा। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिल। बरखा, अभी तुझे कुछ नहीं पता, मैं प्रिंसिपल मैम के रूम से आ रही हूँ। मैंने सातों टीचर्स को देखा है, सातों टीचर बड़ी ही डेंजरस लग रही हैं। वो तो कहीं से नहीं लग रही कि ये टीचर हैं, उनके चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा है। पता नहीं वो हमें कैसा पढ़ाएंगे, हम उनके साथ एडजस्ट हो भी पाएंगे या नहीं। पहले लगता था कि हमारे पुराने टीचर्स चली जाएं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बहुत याद आ रही है यार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस हम जिस तरह से अपनी पुरानी टीचर्स के साथ प्यार से रहते थे, वैसे ही अपनी नई टीचर्स के साथ भी प्यार से रहेंगे और देखना कुछ दिन बाद हमें अपनी नई टीचर से भी वैसे ही प्यार हो जाएगा। बरखा सभी स्टूडेंट्स को समझाती है। कुछ समय बाद क्लास टीचर आती हैं, जिन्हें देखकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ, मेरा नाम सुजाता है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। और सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे बार बार समझाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जो भी मैं समझाऊंगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगी, उसे तुम्हें एक बार में ही समझना और पढ़ना होगा। और मेरी क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आने चाहिए, किसी की भी यूनिफॉर्म गंदी नहीं होनी चाहिए। ए हेलो, तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म इतनी पुरानी क्यों है? मैम, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं न्यू यूनिफॉर्म खरीद सकूं, इसलिए पुरानी यूनिफॉर्म से ही गुजारा कर रही हूं। मैं अनाथ हूं और साथ में गरीब भी, अपना पालन पोषण और स्कूल की फीस जमा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अभी यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकती। व्हाट, क्या इतने बड़े स्कूल में अनाथ और गरीब स्टूडेंट पढ़ रही है? मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम जैसी गरीब अनाथ स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा। मुझे गरीब अनाथ लोगों से घिन आती है। जाओ, अब से तुम फर्स्ट डेस्क पर नहीं बैठोगी, सबसे लास्ट वाले डेस्क पर बैठोगी। आई बस समझ में? और जितनी जल्दी हो सके न्यू यूनिफॉर्म खरीद लेना, वरना मेरी क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी गरीब अनाथ स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत क्या है? जाओ मजदूरी करो, जैसे तुम जैसे बच्चे और कर रहे हैं, स्कूल आने की क्या जरूरत है? गंदी नाली के कीड़े। सॉरी मैम, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप एक टीचर हैं और टीचर के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसा कहाँ पर लिखा है कि गरीब बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, वह सिर्फ मेहनत और मजदूरी ही कर सकते हैं और सिर्फ
पढ़ाई अमीर बच्चों के ही लिए है। पढ़ाई पर तो सभी बच्चों का, सभी नागरिक का अधिकार है और आपका कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ना कि शिक्षा से दूर करना। तू गरीब अनाथ स्टूडेंट होकर मेरे सामने खड़ी होकर जबान चलाएगी, मुझे अच्छाई का पाठ पढ़ाएगी? तू जानती नहीं है मेरा नाम सुजाता है? सुजाता, मेरा नाम सुनते ही पुराने स्कूल में बच्चे कांपने लगते थे। तुझे तो सीधा करना पड़ेगा और सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने मेरे सामने जबान खोलने की कोशिश भी की तो उसका हाल बहुत बुरा होगा, इसलिए सोच समझ कर मेरे सामने बोलना। ऐसा कहकर सुजाता मैम बेचारी बरखा की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं और उसे सबसे पीछे वाली डेस्क पर बैठने के लिए कहती हैं। और सिर्फ सुजाता मैम ही ऐसा बरखा के साथ नहीं करती, बल्कि सातों की सात टीचर बरखा के साथ यही व्यवहार करती हैं, क्योंकि सातों दोस्त थी और सातों का स्वभाव एक जैसा ही था। सभी बच्चे बरखा के साथ हुए व्यवहार को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बरखा, सातों टीचर्स कितनी ज्यादा घमंडी और अत्याचारी हैं, हमें ढंग से पढ़ाया भी नहीं, बस आपस में गप्पे लड़ा रही थी, फोन पर बातें कर रही थी और प्रिंसिपल मैम के आते ही कैसे दिखा रही थी जैसे इनसे अच्छा कोई हमें पढ़ा ही नहीं सकता। सातों टीचर्स हमारा भविष्य खराब कर रही हैं, अंधकार में डाल रही हैं। बरखा, पहली वाली टीचर्स तुझसे कितना प्यार करती थी, तेरी कितनी प्रशंसा करती थी, और यह तेरी गरीबी से, तेरे अनाथ होने से तुझसे नफरत करती है, तुझे कितना टॉर्चर कर रही है। यार, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, तुम सब ठीक कह रहे हो, यह टीचर्स तो टीचर कहलाने के लायक भी नहीं है। दो दिन बाद टीचर डे आ रहा है, टीचर डे पर हम कितनी ज्यादा तैयारी करते थे, सभी टीचर्स के लिए फूल लेकर आते थे, कार्ड बनाते थे, लेकिन इनके लिए तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यह टीचर कम हिटलर ज्यादा लग रही है। ऐसा कहकर बरखा रोने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार क्लास के अंदर उसके ऊपर ही हो रहा था, क्योंकि सभी टीचर्स उसे बिना वजह मारती थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती थी। टीचर से पिटाई खाने की वजह से उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, और वह होटल पर बर्तन धोने जाती है तो, लेकिन शरीर में दर्द होने की वजह से उससे काम नहीं हो पाता। तभी वह होटल की मालकिन से कहती है, मालकिन जी, आज मुझसे बर्तन नहीं धुल पाएंगे, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर काम नहीं करोगी तो पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही खाना खाने के लिए मिलेगा, जब काम करोगे तभी पैसे और खाना मिलेगा। जाओ घर पर आराम करो, जब ठीक हो जाओ तो आ जाना, इतने में और किसी लड़की को बर्तन धोने के लिए रख लूंगी। जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बेचारी बरखा, वह सोच रही थी कि मालकिन उसके ऊपर थोड़ा तरस खाकर उसे खाना खाने के लिए दे देंगी, लेकिन वह नहीं देती और बेचारी बरखा को आज भूखा ही सोना पड़ता है, क्योंकि वह फूल बेचने भी नहीं जा पाती। अगले दिन वह स्कूल आती है, पिटाई और भूखे रहने की वजह से उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा था। तभी नेहा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह बरखा को देख कर कहती है, अरे यार बरखा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहुत कमजोर नजर आ रही है, लगता है तूने कुछ खाया नहीं। जब सात टीचर मिलकर पिटाई करेंगी तो यही हाल होगा ना यार, मैं कल काम पर नहीं जा पाई, काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिले, और पैसे नहीं मिले तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, भूखी हूँ और दवाई भी खानी है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, कल पढ़ाई भी नहीं हुई, एक दिन की पढ़ाई छूट गई, बहुत दुख हो रहा है। बरखा, तो टेंशन क्यों लेती है, तो हम सबकी कितनी ज्यादा मदद करती है, पढ़ाई में कितनी हेल्प करती है, क्या हम तेरी थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते? यह ले, आज तो मेरा लंच खा ले, वैसे भी मैं सुबह हैवी नाश्ता कर आई थी। बरखा नेहा का यह प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह उसका लंच खाकर दवाई खा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोई भी टीचर अपना पीरियड लेने नहीं आती, वह सभी स्टाफ रूम में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं, मजा आएगा, लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि कल टीचर डे है। जैसे हम पुराने स्कूल में अपने बच्चों से टीचर डे पर महंगे महंगे गिफ्ट मंगवाते थे, पैसे मंगवाते थे, वैसे ही इस स्कूल में भी मंगवाएंगे, बहुत मजा आएगा यार, अच्छे से होटल में पार्टी करेंगे। अरे यार सुजाता, ये तो क्या कह रही है, अभी तो हमें इस स्कूल में आए हुए एक हफ्ता ही हुआ है, कहीं पुराने स्कूल की तरह हमें यहाँ से भी ना निकाला जाए, हमें थोड़े धीरे धीरे काम करना चाहिए, पार्टी वार्टी बाद में कर लेंगे, थोड़ा बच्चों को प्यार से रखते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है,
तूने कल एक लड़की को कितना मारा था। अगर प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर देती तो हमारे स्कूल में आज आखिरी दिन होता। अरे यार, एक हफ्ते में इतना तो पता चल ही चुका है कि सभी बच्चे बहुत सीधे हैं, हमसे डर रहे हैं और किसी से शिकायत भी नहीं कर रहे। और अगर किसी बच्चे ने शिकायत कर भी दी तो क्या होगा, हद से हद इस स्कूल से भी निकाले जाएंगे तो दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। लेकिन हम अपनी पार्टी करना नहीं छोड़ेंगे, हमें बच्चों से पैसे मंगवाने ही होंगे ताकि हम आसानी से ऐश कर सकें और बड़ी पार्टी कर सकें। तुम सबको पता है मैं अपनी क्लास से 1,000 रुपए सभी स्टूडेंट से मंगवा रही हूँ। 50 बच्चे हैं, बहुत मजा आएगा, बड़ी पार्टी हो जाएगी और टीचर डे पे स्टूडेंट अपनी टीचर्स के लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो तुम भी मंगवाओ और ऐश करो। और अगर कोई बच्चा लाने के लिए मना करता है तो 2 लगाओ कान के नीचे, उसकी नानी याद दिला दो। इस तरह से सभी टीचर्स आपस में बातें कर रही थी और वह अपनी अपनी क्लास में जाकर सभी बच्चों से टीचर डे पर पैसे और महंगे महंगे गिफ्ट लाने के लिए कहती हैं। यह सब सुनकर क्लास के सभी बच्चे चौंक जाते हैं। मैम, यह पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। 1,000 रुपए हम सभी स्टूडेंट कैसे लेकर आ सकते हैं और इतने महंगे गिफ्ट। बनारसी की साड़ी आप जानती हैं ना कितनी ज्यादा महंगी आती है। हम तो हर साल टीचर डे पर टीचर को एक गुलाब का फूल देते थे और उन्हें विश करते थे बस, और उसी में वह बहुत खुश होती थी। लेकिन आप, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। गरीब अनाथ स्टूडेंट, तो खाती क्या है तेरे में, इतनी ज्यादा पिटाई करती हूँ, इतना अत्याचार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लगता है तो कल की पिटाई भूल गई। और तुम सब बच्चे, अगर टीचर डे पर 1,000 रुपए और बनारसी की साड़ी नहीं लेकर आए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए चुपचाप जो मंगाया है लेकर आ जाना। और तू गरीब, तुझे पूरे 5,000 रुपए लेकर आने होंगे और बनारसी की साड़ी के साथ साथ ब्रांडेड सैंडल भी। अगर ये सब नहीं लेकर आई तो तेरा इस स्कूल में आखिरी दिन होगा, सोच लेना। मैम, ये आप क्या कह रही हैं, 5,000 रुपए, साड़ी, ब्रांडेड सैंडल, ये सब मैं आपके लिए कैसे लेकर आ सकती हूँ? कल टीचर डे है और ये सब बहुत ज्यादा महंगा है और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इतनी ज्यादा गरीब कि कल मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। वो मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तो मेरे सामने आकर खड़ी होती, ना अच्छाई का पाठ पढ़ाती और ना तुझे ये सजा मिलती। सब बच्चे 1,000 रुपए और तू 5,000 रुपए, आई बात समझ में? और हाँ, सब बच्चे मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ना ही प्रिंसिपल मैम को और ना ही किसी और को। सबको ऐसा दिखाना जैसे तुम मुझे मामूली गुलाब का फूल दे रहे हो। बेचारे बच्चे क्या कर सकते थे, वह अपने घर पर झूठ बोलकर 1,000 रुपए ले लेते हैं और अपनी गुल्लक तोड़कर बनारसी की साड़ी भी खरीद लेते हैं। लेकिन बरखा के पास ना तो जुड़े हुए पैसे थे और ना ही उसके माता पिता। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर बहुत रोती है। कल टीचर डे है, मैं हमेशा टीचर्स डे पर कितनी ज्यादा खुश होती थी, अपने हाथों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाती थी। लेकिन इस टीचर डे पर मेरी आंखों में आंसू सिर्फ अत्याचारी सात टीचर की वजह से पता नहीं कहां से हमारे स्कूल में आ गई। 5,000 रुपए, बनारसी की साड़ी, सैंडल, ये सब कहां से लेकर आऊंगी? और अगर नहीं लेकर गई तो मेरा स्कूल जाना बंद, क्योंकि सुजाता मैम बहुत ज्यादा खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है, मुझे स्कूल से निकलवा सकती है। कितने मुश्किलों से मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मेरा सपना टूट जाएगा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे नेहा, तुम यार, मैं जानती हूँ कि तुझे पढ़ाई करने का कितना शौक है और पढ़ाई तेरी जिंदगी है। अगर सुजाता मैम के लिए तो यह सब कुछ नहीं लेकर गई तो वो तुझे स्कूल से निकलवा देंगी। इसलिए हम सब बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, जब तेरे पास हो जाए तो तू लौटा देना। ये रही साड़ी और सैंडल और पैसे। मैं हमेशा खुद को अनाथ और बेसहारा समझती थी, लेकिन तुम सब स्टूडेंट मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा स्कूल ना छूट जाए इसलिए सब तुम मेरी मदद कर रहे हो। लेकिन नेहा, मैंने एक फैसला किया है, सातों टीचर, उनका अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, उनका असली चेहरा सबके सामने लेकर आना होगा। मगर बरखा, वो कैसे, तुम जानती हो ना सातों टीचर कितनी ज्यादा खतरनाक हैं। वो एक हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, हम स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। नेहा, तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है ना, बस वह स्कूल में लेकर आ जाना, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है।
नेहा बरखा की बात समझ जाती है और अगले दिन टीचर डे पर किसी भी स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि उनके सामने अत्याचारी सात टीचर थी। वह किसी को भी दिल से विश नहीं करते और अपने घर से जो पैसे और गिफ्ट लेकर आते हैं सबको दे देते हैं। सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बरखा वीडियो बना लेती है और उसके बाद प्रिंसिपल मैम को दिखा देती है। प्रिंसिपल मैम यह देखकर गुस्से से तिल मिला जाती हैं और वह सभी टीचर्स को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, अगर आज बरखा तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने नहीं लेकर आती तो तुम न जाने मेरे स्कूल को क्या बना देती। यह स्कूल है और यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, जीने की कला सिखाई जाती है और तुम ये सब कर रही हो। तुम्हारे पीछे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन अब तुम सिर्फ इस स्कूल से नहीं निकाली जाओगी बल्कि तुम्हें आगे किसी स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तुम जैसे टीचर्स को स्कूल में अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं, अब तुम जेल जाओगी। ऐसा कहकर प्रिंसिपल मैम पुलिस को बुला लेती हैं और सातों टीचर्स को गिरफ्तार करवा देती हैं। सभी बच्चे बरखा के लिए क्लैपिंग करते हैं और प्रिंसिपल मैम बरखा की बहुत प्रशंसा करती हैं। और इस बार स्कूल में जो नई टीचर आती हैं उनका बैकग्राउंड चेक होता है और वह बहुत अच्छी होती हैं और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। सभी बच्चे नई टीचर से बहुत खुश होते हैं और उनसे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन बरखा की मेहनत और कोशिश रंग लेकर आ जाती है और वह डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बनकर गरीब और परेशान लोगों की मदद करती है और एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है।